तो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो सर, ये आजकल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले पाकिस्तान को बोल रहे हैं सर कि वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आप इतने मसरूफ हो गए अफगानिस्तान को लेके, आप कश्मीर कैसे भूल गए सर? कुछ तो हो सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बड़े दिन अरसा हो गया सर, नहीं सुना? हामिद खान साहब इस पर रोशनी डालें जरा। जी थैंक यू वेरी मच, आई एम बैक इन पाकिस्तान। अच्छा मेजर गौरव आर्य, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कश्मीर इतना अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि आज के प्रोग्राम में भी आज आपके ही मुंह से दो बार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान निकला है। एक बार कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको हमने कहने पर मजबूर कर दिया है। आप ये भूल जाएं कि हम कश्मीर या कश्मीरियों को भूलेंगे। हमने जिस तरह 15 अगस्त को काबुल में आपको सरप्राइज दिया है, फिर उसके बाद 6 सितंबर को पंजशेर फतह होकर आपको सरप्राइज दिया है, 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनकर अमेरिका को सरप्राइज मिला है, नहीं करना है। इसी तरह एक दिन श्रीनगर में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रहा। यहां मुझे अफसोस ये होता है कि आप ये बात, मतलब मैं समझता हूं कि सारों के जो कंसर्न अफगानिस्तान के लिए है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की पब्लिक सफर करने लगी है, सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर सारी दुनिया की जो दूसरी प्रॉक्सीज है उनको क्यों किक आउट कर दिया, खसूसन इंडिया की सारी प्रॉक्सीज क्यों किक आउट हुई। दूसरी चीज ये कि जो कल बैठक हुई है दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ की, उसने वाकई इंडिया को परेशान तो कर दिया है। मैं जानता हूं इंडिया की परेशानी को, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि नाउ द पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज चेंज, सिनेरियो इज चेंज। इंडिया जितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा इंडिया के लिए बेहतरी है। जी। इंडिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी। कि अब पाकिस्तान की मर्जी चलेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया कश्मीर में भी और इंशाल्लाह अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने मजबूर कर दिया, मैंने तो ऑन एयर बोल दिया, करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप कश्मीर ले लें सर, आप ले नहीं रहे। खैर ठीक है, हामिद खान साहब एक मिनट, हामिद खान साहब मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि अभी शेरो शायरी का मौसम है और दस्तूर भी है थोड़ा सा इस प्रोग्राम में बीच बीच में, तो वैभव ये कहना चाहता हूं कि हम अच्छे थे लेकिन लोगों की नजर में सदा रहे बुरे, कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अच्छा वैभव एक बात बताइए, खान साहब ने तो कह दिया साहब, खान साहब दाद दे रहे हैं वहां पे इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव एक बात बताइए, अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूं सर, अब मैं काम करता हूं, मैं मोमबत्ती ले आता हूं सर, वैभव के सामने तो पूरा मुशायरा ही कर लेते हैं यहाँ पे, अल्लामा इकबाल का भी शेर सुन लेंगे सर। ओ हल्का ए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अरे क्या बात, फ्रेंडली होंगे, मैं आपसे इंशाल्लाह दो हाथ और अच्छा फ्रेंडली होगा, बिल्कुल हम तो फ्रेंडली चाहते हैं, बिल्कुल सर। वो हल्का है यारा तो मैं समझ गया कि वो रेशम है, जब तक मोहब्बत कर रहा है मोमिन तब तक रेशम है, वरना फिर वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। आपने सुनाया, मैंने करी, वाह वाह वाह।